Hello, my dear students. In this video lecture, I am going to tell you about tropic hormones. So, what are tropic hormones? What is the meaning of tropic? I am going to tell you here. Tropic meaning is nourishment. And tropic hormones are the hormones that have other endocrine gland as their targets. Tropic hormones वो hormones हैं जो कि एक ऐसे hormones जिनके पास कोई दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे एज देयर टारगेट्स. दे स्टिमुलेट दीज एंडोक्राइन ग्लैंड टू प्रोड्यूस देयर स्पेसिफिक हार्मोन एंड दे विल रेगुलेट देयर एक्टिविटी. सो आई वॉन्ट टू टेल यू सम हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी विच स्टिमुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड. सो यू कैन राइट वन पॉइंट हियर दैट दे स्टिमुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड to secrete their hormone. Next thing is, student, यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करना चाहेंगे कि ट्रॉपिक हार्मोन्स को हम लोग कलेक्टिवली ट्रॉपिक हार्मोन्स क्यों बोलते हैं. ट्रॉपिक हार्मोन्स जो पिट्यूटरी के हैं उनको एक कलेक्टिवली वर्ड दिया गया है ट्रॉपिक हार्मोन्स, क्योंकि सभी सभी मिलके नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे ट्रॉपिक हार्मोन्स में, स्टूडेंट्स चलिए हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं. मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डिफरेंट कलर लाइक TSH, ACTH, FSH एंड LH. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TSH हियर? इट स्टैंड्स फॉर थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. And ACTH stands for adrenocorticotropic hormone. And FSH stands for follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. And LH stands for luteinizing hormone. So now I am going to tell about all the functions of TSH and these all hormones here. So TSH, it will stimulate thyroid to produce thyroxine hormone. Ye stimulate karega thyroid gland ko, stimulates thyroid टू प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स? ये थायरोक्सिन हार्मोन. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें ACTH की, तो ACTH जो है स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को. इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इट विल प्रोड्यूस कॉर्टिको स्टीरॉयड हार्मोन. कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन. और FSH की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो FSH फीमेल्स में क्या करेगा? डेवलपमेंट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स का. ओवरीज की जो फॉलिकल्स हैं उनको डेवलप करेगा ओवरीज में. और मेल्स में इसका क्या फंक्शन होगा स्टूडेंट्स? इन मेल इट स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल. यू कैन राइट ST सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इन मेल. और नेक्स्ट अगर हम लोग मेल में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, टेस्टिस का पार्ट है ये. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की स्टूडेंट्स, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में और मेल में अलग अलग रोल है इनका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का. अगर फीमेल्स की बात करें तो ये क्या करेगा? फॉर्मेशन स्टिमुलेट करेगा. किसके फॉर्मेशन को? कॉर्पस लूटियम. कॉर्पस लूटियम के फॉर्मेशन को, ताकि एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन. इट इज अ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. एंड LH अगर हम लोग मेल में बात करें, तो मेल में क्या करेगा? ये इंटरस्टिशियल सेल को, जिनको हम लोग लेडिक सेल्स बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स और इन्हीं को हम लोग लेडिक सेल्स भी बोलते हैं. ये क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करेंगे. टेस्टोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि मेल्स में मिलेगा. तो ये हमारा LH हार्मोन का कुछ इस तरीके का फंक्शन था स्टूडेंट्स.
So this is all about tropic hormones, and these tropic hormones are secreted from anterior lobe of pituitary. I told you about anterior lobe of pituitary, all the hormones, FLAT, PG. So prolactin and growth hormone we have discussed earlier, and here I have discussed about FLAT, FSH, LH, ACTH, and TSH. So prolactin and growth hormone we have discussed, and all the posterior pituitary gland hormones we have discussed. So in my next video, I will continue about the role of insulin and glucagon and what are the disorders related to their hypersecretion and hyposecretion. So this is all about today's lecture, students. Thank you, students. If you like the video, please hit the like button and please subscribe to my channel and share this video with your friends. And stay tuned to my channel. Thank you.